नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित आपको काम जो है अवश्य ही लगता होगा, जैसे कि दाखिल करना हो या जमीन का रसीद काटना हो या फिर और भी बहुत सारा काम, जैसे कि LPC बनाना हो, बहुत सारा काम मतलब आपको पड़ता ही होगा। अब देखिए, ये काम जो है अब आप घर बैठे जो है बहुत लोग कर रहे हैं घर बैठे, और बहुत लोग को पता नहीं है, ये सारा काम घर बैठे कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक चाहिए होता है यूजर आईडी और पासवर्ड, मतलब इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए, तभी आप जो है बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाकर के आप जमीन से संबंधित किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। तो हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोग को भी चाहिए इसका यूजर आईडी और पासवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताएंगे, लॉगिन करने का प्रोसेस बताएंगे, और लॉगिन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो वो भी दिखाएंगे। देखिए, दाखिल खारिज आप कर सकते हैं, उसके बाद LPC बना सकते हैं, जमीन का रसीद भी काट सकते हैं। इसके अलावा भी और 4-5 वहां पर ऑप्शन है काम करने के लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो प्लीज दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, एंड वीडियो को एक लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। हम आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए सीधे पीसी स्क्रीन पर और आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको आ जाना होगा बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर कैसे आना है, देखिए गूगल क्रोम ओपन करिए, सर्च बार में आपको टाइप करना होगा बिहार भूमि, केवल इतना डाल करके आप सर्च करिए। फर्स्ट में जो लिंक आएगा बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज करे वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी डबल खुला हुआ था, इस वजह से नहीं हुआ, तो हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं इस पर। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है देखिए लॉगिन करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिशा निर्देश कहा दिया गया है, कि कहा गया है यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना खाता बना लीजिए, उसके बाद फिर लॉगिन करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे करेंगे, यही मेन जगह है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म दे देगा इस प्रकार से। अब इस फॉर्म को हमको स्टेप बाय स्टेप भरना है, भरने के बाद जो है हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये फॉर्म भरने के बाद ही हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है अपना नाम ऊपर में सबसे पहले डालिए इसमें पर्सनल डिटेल्स में, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो यहाँ इस कैलेंडर पर क्लिक करिएगा और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष हैं या फिर महिला हैं। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो अपना कैटेगरी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर इस कॉलम में फिल करेंगे, एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और एक अल्टरनेट नंबर डालना है, मतलब दो मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, एक अपना पर्सनल डालिए एक और एक अल्टरनेट नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि रिलेशन विथ अल्टरनेट नंबर, मतलब मोबाइल, यहाँ पर अल्टरनेट नंबर जो आप किसका डाले हैं उनका रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट करिए। तो जिनका भी आप डालोगे उनका सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो अन्य, यहाँ पर ऑप्शन है अन्य को डाल दीजिए। उनके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल देना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद इस साइड में कंप्लीट एड्रेस को आपको फिल करना है, जैसे कि अपना गाँव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पंचायत का नाम ऊपर में आपको टाइप करना है, नीचे में भी टाइप कर दीजिएगा। उनके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको टाइप करना है और स्टेट यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड अपना एरिया का डालेंगे यहाँ पर, इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करोगे तो ये जो नंबर आप डाले हो यहाँ पे इस वाले कॉलम में, इस नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा। OTP आपको डाल के वेरीफाई करना होता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे ना तो OTP तुरंत आ जाएगा, OTP डाल के केवल सबमिट करोगे। जब आप सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिक जो है इस प्रकार से लॉगिन का पेज आ जाएगा। जब इस प्रकार का पेज आ जाएगा तो यहाँ पर ऊपर मोबाइल नंबर आप डालोगे, इस कैप्चा को इसमें डालोगे, उनके बाद यहाँ पर साइन इन पर आप क्लिक करोगे। जैसे साइन इन पर आप क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे जो है 6 डिजिट का यानी कि 6 अंक का OTP फिर आएगा। OTP आप यहाँ पर डालोगे, कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करोगे। जैसे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा इस प्रकार से। अब लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ से जो है आपका नाम भी आपको यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ से आप सभी प्रकार का काम जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप दाखिल खारिज कर सकते हैं, दाखिल खारिज का स्टेटस जो है वो भी चेक करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। LPC यहाँ से बनाएंगे, LPC का स्टेटस जो है वो यहाँ चेक करेंगे। ऑनलाइन भुगतान रसीद आप यहाँ से काटेंगे, परिमार्जन भी आप यहाँ से कर पाएंगे, यानी कि जमीन में किसी प्रकार का अगर कोई गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं यहीं से। उनके बाद जमाबंदी पंजी में अपना नाम देख सकते हैं, और भी SMS सेवा अलर्ट जो है वो भी अपना शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपने जमाबंदी जमीन में मोबाइल नंबर को भी आप यहां से लिंक कर सकते हैं। दाखिल खारिज पर मतलब किसी प्रकार कोई आपत्ति अगर आपको दर्ज करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं।
इतना सारा काम जो है आप कर सकते हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर अदरवाइज जो है मान लेते हैं अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो यहाँ से कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो, रसीद भी आप नहीं काट सकते हो। जैसे कि आप बाहर से आओगे यहाँ पर, बाहर में आने के बाद जैसे यहाँ पर भू लगान पर क्लिक करोगे, भू लगान पर जैसे आप क्लिक करोगे तो पहले आपको कहेगा यहाँ से लॉग इन करने के लिए, तो यहाँ से बाहर से आप कुछ नहीं काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं ऑनलाइन लगान भुगतान करे वाले ऑप्शन पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कहा जाएगा कि लॉग इन करने के लिए। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने से पहले जो है बिहार भूमि के पोर्टल पर लॉग इन करें, उसके बाद ही जो कि आप इसमें भुगतान कर सकते हैं। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप लॉग इन ही कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे मैं आपको बताएं सेम टू सेम वैसे रजिस्ट्रेशन करके आप सारा काम कर सकते हैं। तो हम आपको एक एक करके सारा जानकारी इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जहाँ तक हमें पता होगा वहाँ तक हम आप लोगों को अवश्य ही बता देंगे। आई होप दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो करते हैं एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।